दोस्तों आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन में आपका स्वागत है। जैसे कि दोनों वीडियोस आप लोग देखे होंगे और दोनों के देखने के बाद आपके बहुत सारे प्यार और बहुत सारे कमेंट्स के लिए मैं बहुत दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एग्ज़ाम आपके नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मैं कम समय में बनाना चाहता हूं। और अपने अच्छा कमेंट्स में आप लोगों ने लिखा है कि सर पुनः आपसे एक बार जुड़ने का मौका मिला और आपसे बहुत प्यार करते हैं हम लोग। दोस्तों आप सभी मेरे हृदय में बसते हैं और जब तक मैं हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना भी मैं बेहतर आपके लिए कर सकता हूँ मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आपके साथ के लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद। समय नष्ट न करते हुए आइए शुरू करते हैं तीसरे लेक्चर का ये सेगमेंट। हम लोग ध्यान दीजिए पिछले लेक्चर में जो लोग भी दोनों वीडियोस नहीं देखे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो दोनों वीडियोस देख लें, क्योंकि ये सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से सेक्शंस का यूज करेंगे हम स्टील स्ट्रक्चर को बनाने में। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उन सेक्शंस को बनाने में कौन से स्टील का यूज हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेक्शंस द्वारा स्टील का स्ट्रक्चर बनाएंगे उनको हम जोड़ के ही बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि कोई भी स्टील का स्ट्रक्चर यदि बना होगा तो वो छोटे छोटे एलिमेंट से जुड़कर ही बना होगा, चाहे वो जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो। और हर मेंबर की लंबाई चौड़ाई उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज IS कोड द्वारा फिक्स की गई है। तो बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी हमें छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग जॉइंट की शुरुआत करेंगे। आपको बता दूं कि ये वीडियो जितना सिविल इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है। जॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये बात करते हैं जॉइंट्स और कनेक्शंस। दोस्तों जॉइंट्स और कनेक्शंस को अगर डिफाइन करें तो कहेंगे कि जॉइंट वह युक्ति है, वह अरेंजमेंट है जिनके द्वारा दो या दो से अधिक मेंबर्स को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि वो एक मेंबर के भांति कार्य कर सके, वो एक साथ कार्य कर सके। अगर हम जोड़ को क्लासिफाई करें तो मुख्य रूप से हम जोड़ को दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक को हमने परमानेंट जॉइंट कहा और दूसरे को हमने टेम्परेरी जॉइंट कहा। अगर परमानेंट जॉइंट को डिफाइन करें तो कहेंगे कि एक ऐसा जोड़ जिसको स्टेब्लिश करने के बाद, स्थापित करने के बाद उसे आसानी से डिसमेंटल ना किया जा सके, उसे आसानी से उखाड़ा ना जा सके, इस प्रकार के जॉइंट को हम स्थाई जोड़ कहते हैं। इसमें रिवेटेड जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट आता है। ऐसे हम बात करेंगे टेम्परेरी जॉइंट के बारे में। दोस्तों टेम्परेरी जॉइंट वो जॉइंट होता है, वो जोड़ होता है जिसमें जॉइंट स्थापित करने के बाद आवश्यकता अनुसार हम उसे आसानी से उखाड़ सकते हैं, उसे आसानी से डिसमेंटल कर सकते हैं और पुनः दूसरी जगह भी उसे आसानी से स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार के जोड़ को दोस्तों हम टेम्परेरी जॉइंट कहते हैं। इसके अंतर्गत बोल्टेड जॉइंट आता है और पिंड जॉइंट आता है। दोस्तों बोल्टेड जॉइंट में आप लोग देखे होंगे अगर नट और बोल्ट के जॉइंट की बात करें तो उसे जरूरत पड़ने पर हम स्थापित कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर फिर से बोल्ट को खोल के और उसे चाहे तो दूसरी जगह भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही सेम पिंड जॉइंट होता है। पिंड जॉइंट में पिन के द्वारा जॉइंट को स्थापित किया जाता है। जब हमें फिर से जॉइंट को हटाना होता है तो हम फिर से पिन को हटा देते हैं, फिर जॉइंट हमारा डिसमेंटल हो जाता है। तो इस प्रकार के जोड़ को हम टेम्परेरी जॉइंट कहते हैं। दोस्तों डिप्लोमा के सिलेबस में टेम्परेरी जॉइंट को डिस्कस नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग भी यहां पे टेम्परेरी जॉइंट के बारे में बात नहीं करेंगे। दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहां सिर्फ परमानेंट जॉइंट के बारे में, जिसमें हम लोग रिवेटेड जॉइंट की बात करेंगे और वेल्डेड जॉइंट की। आज हम लोग इस सेगमेंट में रिवेटेड जॉइंट से शुरू करेंगे। रिवेटेड जॉइंट ध्यान दीजिए, रिवेटेड जॉइंट मुख्य रूप से रिवेट की सहायता से बनाया जाता है। अगर हम रिवेटेड जॉइंट को परिभाषित करें तो कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्लेटों या सेक्शंस को रिवेट के द्वारा जोड़ा जाए तो उस जॉइंट को रिवेटेड जॉइंट कहते हैं। दोस्तों जोड़ना किसे है? मेंबर्स को। जोड़ना किसे है? मेंबर्स को। किससे जोड़ना है? रिवेट से। तो जिनको जोड़ना है उनके बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। अब किससे जोड़ना है? रिवेट से। तो अब जिससे जोड़ना है इस लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे, अर्थात रिवेट की बात करेंगे जिससे हमें जोड़ना है। रिवेट देखो, रिवेट का मुख्य रूप से शेप ऐसा होता है जिसके मुख्य रूप से दो पार्ट हैं, एक शैंक और दूसरा हेड। शैंक और दूसरा हेड। रिवेट में शैंक के डाया को ही हम रिवेट का डाया कहते हैं।
और जब कभी हम रिवेट को स्पेसिफाई करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो वो हम शैंक के डाया के आधार पर ही करते हैं, शैंक के डाया के आधार पर ही करते हैं। अच्छा, जैसे अगर कोई आपसे कहे कि 16 mm डाया का रिवेट लेके आइए, तो ये जो 16 mm डाया है वास्तव में ये शैंक का ही डाया है जिसको हम जाकर दुकान पे बता के और रिवेट खरीद रहे हैं। तो रिवेट खरीदने के लिए जो दुकानदार को हम बता रहे हैं वो उसकी स्पेसिफिकेशन है, तो हम जाकर कहेंगे 18 mm डाया का रिवेट हमें दे दो, तो वो 18 mm डाया का रिवेट दोस्तों दे देगा आपको। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये नीचे लिखा हमने कि रिवेट इज स्पेसिफाइड, रिवेट को अभिव्यक्त किया जाता है बाई डाया ऑफ शैंक, शैंक के डाया के आधार पर, रिवेट को शैंक के डाया के आधार पर अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों रिवेट मुख्य रूप से, रिवेट इज मेड बाय माइल्ड स्टील, रिवेट मुख्य रूप से माइल्ड स्टील का बना होता है। ज्यादातर सेक्शंस जिन्हें हम स्ट्रक्चरल स्टील कहें, स्ट्रक्चरल स्टील भी एक माइल्ड स्टील ही है। तो जब सेक्शंस माइल्ड स्टील के बने हैं तो जो उनको जोड़ने के लिए रिवेट इस्तेमाल किया जाएगा वो रिवेट भी माइल्ड स्टील का ही होगा। तो रिवेट से रिलेटेड दो पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्या कि रिवेट को शैंक के डाया के आधार पर अभिव्यक्त करते हैं और रिवेट माइल्ड स्टील का बना होता है। एक बात और महत्वपूर्ण है, यदि रिवेट का डायमीटर 12 mm से 14 mm तक है, यदि रिवेट का डायमीटर 12 mm से 14 mm तक है, तो उसके प्रॉपर्टीज की संस्तुति IS 1929 के अंतर्गत की गई है, IS 1929 के अंतर्गत की गई है। तो अगर हम थोड़ा सा फिर से चीजों को रिव्यू पे ले, तो IS 2062 हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चरल स्टील का कंफर्मिंग कोड, IS 808 पढ़ा था स्ट्रक्चरल एलिमेंट का कंफर्मिंग कोड, और IS 1929 पढ़ा हमने रिवेट का कंफर्मिंग कोड। दोस्तों रिवेट से रिलेटेड हम लोग बात किए, सिंगल रिवेट की बात किए। अब हम रिवेट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि रिवेट को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों रिवेट को चार आधार पर क्लासिफाई किया गया है, रिवेट को चार आधार पर क्लासिफाई किया गया है। पहला, रिवेट के हेड के शेप के आधार पर। दूसरा, रिवेटिंग जहां पे कर रहे हैं फील्ड में या वर्कशॉप में उसके आधार पर। तीसरा, फिक्सिंग मेथड, रिवेट लगाते समय रिवेट को हम गर्म करके लगा रहे हैं या रिवेट को ठंडे स्टेट में लगा रहे हैं, मतलब कोल्ड स्टेट में लगा रहे हैं या हॉट स्टेट में लगा रहे हैं, तो फिक्सिंग मेथड के आधार पर। लास्ट है पावर ऑफ फिक्सिंग के आधार पर। दोस्तों जैसा कि रिवेट में आप लोग देख रहे होंगे कि इसका एक हेड बना है, जोड़ते समय प्रहार द्वारा, प्रेशर द्वारा इसके दूसरे पोर्शन को भी ऐसा ही हेड के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिसके लिए हमें पावर की जरूरत पड़ती है। अब उस पावर के लिए आपने मैनुअली हथौड़े का इस्तेमाल किया है या पावर प्रेस का इस्तेमाल। तो अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट के बारे में बात करें, ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग क्या बात किए कि रिवेट के हेड के शेप के आधार पर, रिवेट को चार आधार पर वर्गीकृत किया गया, पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब एक एक करके बात करेंगे रिवेट के हेड के शेप के आधार पर। पहला, यदि रिवेट का शेप, देखिए ये बटन जैसा है, बटन जैसा, या ये कप जैसा है, कप जैसा, इसलिए इसको कप रिवेट या बटन रिवेट या इसको स्नैप रिवेट भी कहते हैं, और इसी रिवेट का सबसे ज्यादा यूज भी होता है। इसके बाद इस हेड वाले रिवेट को पैन रिवेट कहते हैं, जिस रिवेट का हेड पैन जैसा हो, फ्राई पैन जैसा हो, इसलिए उसको हम पैन रिवेट कहते हैं। इसका नेक, ये नेक है, यदि नेक इस तरीके का टेपर्ड कर दिया जाए तो इसको हम पैन रिवेट, पैन हेड रिवेट विद टेपर्ड नेक कह देंगे, पैन हेड रिवेट विद टेपर्ड नेक। फिर अब तीसरे पे बात करेंगे तो राउंडेड है काउंटर संक रिवेट, राउंडेड काउंटर संक रिवेट, यही अगर राउंडेड हटा देंगे तो फ्लैट हो जाएगा, तो कहेंगे फ्लैट काउंटर संक रिवेट, फ्लैट काउंटर संक रिवेट। अब ये अभी अगर हटा देते हैं तो काउंटर संक भी हट जाएगा, अब सिर्फ हो जाएगा काउंटर संक, मतलब शंकु टाइप में, शंकुनुमा। अच्छा, अगर ये हटा देते हैं तो अब सीधे सीधे क्या हो जाएगा, फ्लैट रिवेट, फ्लैट रिवेट। तो इस तरह से रिवेट के हेड के शेप के आधार पर रिवेट को हमने छह भागों में डिवाइड कर दिया। कभी कभी लिखने के लिए आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट लिखिए आप, तो एक हमने लिख दिया। दूसरी बात करेंगे फिक्सिंग प्लेस के आधार पर, फिक्सिंग प्लेस के आधार पर। जब हम रिवेटिंग करने जाते हैं तो दो प्लेटों में रिवेट लगाने के लिए जैसे मान लो कि हम रहे, दो प्लेटों में रिवेट लगाने के लिए, जैसे एक प्लेट ये है हमारी और एक इसके नीचे प्लेट और बना दिए, ये दूसरी प्लेट है हमारी, ये दूसरी प्लेट है। अब क्या है कि इस
रुपीज प्लेट, को रिवेट द्वारा जोड़ने के लिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक होल यहां बनाया, ठीक इसके नीचे इस प्लेट में भी होल बनाएंगे और जो दोनों होल एक दूसरे पे कॉन्साइड करें। इसके बाद इसमें एक रिवेट कोई भी, ये स्नैप रिवेट इसी में उठा के ऐसे डाल दिया, तो क्या बन गया, इसका एक हेड इसके ऊपर ऐसे बन जाएगा और जिसका शैंक होगा वो नीचे ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। अब हमें क्या कर रहा हूं कि पावर की सहायता से इसी को पीट करके, इसी को इंपैक्ट लोड लगा करके या पावर प्रेस मशीन द्वारा फिर से इसको इसी शेप में बनाना, तब क्या हो जाता है दोनों तरफ इस तरीके का हेड बन जाता है और प्लेटें आपस में जुड़ जाती हैं। तो दोनों प्लेट के दोनों तरफ हेड के निर्माण करने को, जिसमें एक तरफ पहले से बना हुआ है दूसरे तरफ हेड के निर्माण करने को हम रिवेटिंग कहते हैं। तो अब याद रखेंगे कि रिवेटिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम रिवेट के दूसरे हेड को बनाते हैं। अच्छा, जैसे ही रिवेट का दूसरा हेड बन जाएगा, जॉइंट खुद ब खुद बन जाएगा, तो जो प्रोसेस है रिवेटिंग वो रिवेट हेड बनाने की है। अब अगर हम दो प्लेटों को जोड़ने के लिए रिवेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जोड़ हम वर्कशॉप में प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्कशॉप में, तो जानते हैं हम कि वर्कशॉप में सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, सारे मशीनरी, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे कंट्रोल्स पॉसिबल है वर्कशॉप में, इसलिए वर्कशॉप में रिवेटिंग अच्छी होती है। लेकिन वही अगर हम कहीं फील्ड में प्लेटों को जोड़ें तो फील्ड में सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, इसलिए फील्ड रिवेटिंग में उतनी अच्छी रिवेटिंग नहीं हो पाएगी जितनी कि वर्कशॉप में हुई होगी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक भी रिवेट, एक ही रिवेट यदि हम अलग अलग तरीके से लगाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, एक एक करके बात करेंगे। तीसरा प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं फिक्सिंग प्लेस के आधार पर। यदि हम रिवेटिंग वर्कशॉप में कर रहे हैं तो उस रिवेट को शॉप रिवेट कहते हैं, और यदि रिवेटिंग फील्ड में कर रहे हैं तो उस रिवेट को फील्ड रिवेट कहते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि शॉप रिवेट और फील्ड रिवेट में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो आप बताएंगे कि शॉप रिवेट में चूंकि रिवेटिंग अच्छी हुई है इसलिए उस रिवेट की स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। तो बेसिकली शॉप रिवेट की स्ट्रेंथ फील्ड रिवेट से ज्यादा आती है और शॉप रिवेट की स्ट्रेंथ फील्ड रिवेट से 10% अधिक होती है, या इसी को अगर दूसरे तरीके से कहना चाहें तो फील्ड रिवेट की स्ट्रेंथ शॉप रिवेट की स्ट्रेंथ के 90% होती है। यानी अगर शॉप रिवेट की स्ट्रेंथ 100 है तो फील्ड रिवेट की स्ट्रेंथ 90 Nm² होगी। तो वही हमने लिखा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि फील्ड रिवेट की स्ट्रेंथ शॉप रिवेट के स्ट्रेंथ के 90% होती है। फील्ड की क्यों कम होती है, शॉप की क्यों ज्यादा होती है, ये बात कर चुके। अब ये चुनने के बाद हम लोग तुरंत ये सोचेंगे कि रिवेटिंग करने के लिए रिवेट को ठंडे अवस्था में लगा के जोड़ दें या रिवेट को गर्म करके जोड़ें। दोस्तों ये मालूम है कि जब हम रिवेट को गर्म करके जोड़ेंगे तो इसको जोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन उसका ड्रॉबैक भी है। तो बेसिकली रिवेटिंग करने का दो प्रोसेस है, या तो ठंडी स्टेट में कर लो या तो गर्म स्टेट में। अगर हम कोल्ड स्टेट में करते हैं रिवेटिंग, ठंडे अवस्था में रिवेट को ठंडा करके ही, तो उस रिवेट को हम कोल्ड रिवेट कहेंगे। और यदि रिवेट को गर्म, ध्यान रखना कोल्ड रिवेटिंग में कतई हम प्लेट गर्म नहीं करेंगे, हम गर्म करेंगे रिवेट को। तो यदि कोल्ड रिवेटिंग, यदि हॉट रिवेटिंग में रिवेट को गर्म करके लगाते हैं तो उस रिवेट को हम हॉट रिवेट कहेंगे। यानी अगर ठंडे अवस्था में रिवेटिंग की जाए तो उसे कोल्ड रिवेटिंग, और अगर गर्म अवस्था में की जाए तो उसे हॉट रिवेटिंग कहते हैं। अब बात फिर आ गई कि कोल्ड रिवेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि हॉट रिवेट की स्ट्रेंथ। दोस्तों ये जानते हो कि जब कोल्ड रिवेट में कर दिए तो टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जब हम हॉट रिवेट में रिवेट को गर्म किए तो रिवेट के दो पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं कि शैंक और हेड, जिसमें हेड से विशेष मतलब नहीं है, लेकिन शैंक की लंबाई भी बढ़ गई होगी गर्म करने से और डायमीटर भी बढ़ गया होगा। और जब होल में रख के उसकी रिवेटिंग कर रहे होंगे तो गर्म अवस्था में ही कर रहे होंगे, रिवेटिंग करने तक वो रिवेट गर्म ही है, रिवेटिंग करने के बाद जब वो रिवेट ठंडा होगा तो उसका ठंडा होने के कारण उसका डायमीटर भी कम होगा और उसके शैंक की लंबाई भी कम होगी। जब डायमीटर कम होगा तो रिवेट के डाया और होल के डाया के बीच गैप जनरेट हो जाएगा, और दोस्तों उस गैप को हम क्लियरेंस कहते हैं, उस गैप को क्लियरेंस कहते हैं, और उस क्लियरेंस के कारण उस रिवेट की स्ट्रेंथ अधिक नहीं प्राप्त हो पाती, क्योंकि जैसे ही लोड लगाते हैं वो जोड़ हमारा लूज हो जाता है, क्योंकि उन दोनों
होल और रिवेट के बीच गैप जनरेट हो जाता है। वही अगर हम शैंक के डाया के कम होने की बात करें तो प्लेट तो लगी है दोनों तरफ से ये, और रिवेट का डाया कम होना चाह रहा है, ये कम होना चाह रहा है, लेकिन चूंकि प्लेट है तो हो नहीं पाएगा, लेकिन रिवेट की टेंडेंसी जरूर रहेगी कि दोनों प्लेटों को दबा दे, लेकिन दबा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से दोनों प्लेटों पर एक दबाव महसूस होगा। उस दबाव के एक्शन को हम क्लैंपिंग एक्शन कहते हैं, क्लैंपिंग एक्शन। इसके कारण भी प्लेटें दबने कारण बेंड हो जाती है और जॉइंट बहुत स्टेबल नहीं हो पाता। इसका ड्रॉबैक भी है, एडवांटेज भी है, आगे बात करेंगे अगर अगले लेक्चर बनाते हैं तो। अभी यहां बात करेंगे कि यहां पे ड्रॉबैक है, अगर बहुत ज्यादा श्रिंकेज होगा, सबसे बहुत ज्यादा अगर रिजिडुअल, मतलब रिजिडुअल स्ट्रेस का मतलब कि दबाना चाह रहा है लेकिन दबा नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, हमेशा एक तनन की प्रकृति उसमें बनी रहेगी, हमेशा तनन, उसी तनन की प्रकृति को हम रिजिडुअल स्ट्रेस या सेकेंडरी स्ट्रेस भी कहते हैं। तो दोस्तों ये क्लियरेंस चाहे क्लैंपिंग एक्शन किस रिवेट में हुआ, हॉट रिवेट में हुआ, लेकिन कोल्ड रिवेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्लियरेंस और क्लैंपिंग एक्शन के कारण ही हॉट रिवेट की स्ट्रेंथ कम होती है और कोल्ड रिवेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं क्या कि स्ट्रेंथ ऑफ कोल्ड रिवेट इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ हॉट रिवेट, और कितनी स्ट्रेंथ है ये प्रैक्टिकली डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि कोल्ड रिवेट की स्ट्रेंथ हॉट रिवेट से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि उसमें क्लियरेंस और क्लैंपिंग एक्शन जैसा रोल नहीं होना है। अब हम बात समझ में आ गई होगी, फिक्सिंग प्लेस के आधार पर, फिर फिक्सिंग मेथड के आधार पर, और फिर हम बात करेंगे पावर के आधार पर। एक कॉमन सेंस की बात सोचते हैं, एक कॉमन सेंस से बिल्कुल, अगर हमें रिवेट लाना होगा तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि रिवेट होल कहां बनाएं, वर्कशॉप में कि फील्ड में। फिर फिटिंग करने को तो हम डिसाइड करेंगे कि उसे गर्म करके करें कि ठंडा करके। अब जब मालूम चल गया कि कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, कर लिया हमने, या वर्कशॉप सेलेक्ट करना पड़ेगा, कर लिया हमने, अब रिवेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मान लो कोल्ड हमने, तो वर्कशॉप सेलेक्ट कर लिया, कोल्ड रिवेट सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करना पड़ेगा कि उसके दूसरे हेड को पीट पीट के बनाना है ना, दूसरे हेड को बनाने के लिए हम मैनुअली हथौड़े का यूज करें या मशीन का यूज करें, मैनुअली हथौड़े का यूज करें या मशीन। अगर हथौड़े से हम रिवेटिंग करते हैं तो आप भी जानते हो कि बहुत अच्छी रिवेटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन वही कोई पावरफुल मशीन आकर उसको दबा दें तो बड़े आसानी से उसकी रिवेटिंग हो जाएगी। यानी पावर के आधार पर अगर हम बात करें तो फिर रिवेटों को दो भागों में डिवाइड हम करेंगे, पहला पावर ड्रिवन मतलब पावर द्वारा लगाया गया, किसके द्वारा, बाई पावर प्रेस या मशीन, याद रखेंगे बाई पावर प्रेस या मशीन, पावर ड्रिवन रिवेट। परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे, जिन रिवेटों को पावर प्रेस की सहायता से लगाया गया हो उस रिवेट को पावर ड्रिवन रिवेट कहते हैं। आप भी जानते हो कि जब पावर ड्रिवन रिवेट द्वारा दबा देंगे तो दबाते समय क्या होता है, रिवेट के डाया में लेटरल डायरेक्शन में लंबवत दिशा में वृद्धि होती है। जब अच्छे से दबा देगा तो होल का डायमीटर रिवेट अच्छे से भर देगा, एकदम ठोस कर देगा, उसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। लेकिन जब हम हथौड़े से उसका दूसरा हेड बना रहे होंगे, मैनुअली बना रहे होंगे, हाथ से बना रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके बीच में गैप होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और इस रिवेट को हम क्या कहते हैं, हैंड ड्रिवन रिवेट। अब इसमें आप कॉमन सेंस के आधार पर जरा सोच के बताइए दोस्तों कि इसमें किस किस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आपके मन में यह बात आ गई होगी कि पावर ड्रिवन रिवेट की, और यह भी बात याद रखेंगे नोट में क्या, कि पावर ड्रिवन रिवेट की स्ट्रेंथ हैंड ड्रिवन रिवेट से 20% अधिक होती है, या इसी को अगर दूसरी भाषा में कहें तो कैसे कहेंगे कि हैंड ड्रिवन रिवेट की स्ट्रेंथ पावर ड्रिवन रिवेट की स्ट्रेंथ के 80% होती है। यानी अगर पावर की स्ट्रेंथ 100 है तो हैंड की 80 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर होती है। दोस्तों हम लोग रिवेट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े, रिवेट के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि रिवेट को उसके हेड के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, रिवेट को फिक्सिंग प्लेस के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, रिवेट को टेम्परेचर या फिक्सिंग मेथड के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, और रिवेट को पावर के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो एक बात और हम लोग बात किए थे बीच में, ध्यान दिए होंगे कि एक ही रिवेट को यदि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर लगाएंगे तो उसी सिंगल रिवेट की, जैसे 16 में डाया के रिवेट की, उसी सिंगल रिवेट की स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी, जिसकी परमिसिबल स्ट्रेस की संस्तुति आईएस कोड द्वारा की गई है। हालांकि ये मान प्रश्न में दिया गया रहता है
फिर भी यदि ना दिया रहे तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रिवेट, 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 परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रिवेट। पहला, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। अगर पावर ड्रिवन शॉप रिवेट है तो अभी बता देना, सारी बात आगे करेंगे हम लोग। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, रिवेट का प्रकार इधर लिख दे रहे हैं रिवेट, और इस तरफ लिख दे रहे हैं परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस। फिर ऐसे ही बात करेंगे क्या? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। फिर बात करेंगे परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। दोस्तों अगर पावर ड्रिवन शॉप रिवेट है तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी। शियर में इसका मान 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, टेंशन में भी इसका मान 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ध्यान देना, कंफ्यूज हो जाता है लड़के कि ये प्लेट की स्ट्रेंथ तो 150 होती है। दोस्तों वो प्लेट की होती है, ये जो टेंशन में है ये रिवेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और प्लेट की 150 होती है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अच्छा, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ 300 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। अच्छा, अब ये जवाब आपको अपने आप समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं कि हैंड ड्रिवन रिवेट है, हैंड ड्रिवन रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट, तो आप बताइए ईमानदारी से क्या होगा, 20% इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी? नहीं, 20% अगर कम होती है तो हो जाएगा 80 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, और ये भी 80 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। अगर 100 होगा तो 80, ये 100 होगा तो 80। अब ये 300 में अगर 20% करेंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 240 हो जाना चाहिए, लेकिन कोड ने कहा कि 240 नहीं बल्कि 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेना है। कब? जब हैंड ड्रिवन रिवेट होगा तब। यही जब फील्ड रिवेट कह देता, फील्ड रिवेट, दोस्तों अगर फील्ड रिवेट कह देता तो इसको कहेंगे कितनी कम हो जाती है, 10%। फील्ड रिवेट की स्ट्रेंथ 10% कम होती है, तो 100 अगर ये है तो 10% घटाएंगे तो कितना होगा, 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये भी 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और ये 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दोस्तों आज सिर्फ रिवेट से रिलेटेड बात किए हैं, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। थैंक यू।